जब भी कोई बड़ा काम करती हूँ मैं, हमेशा मैं चार बुझा ना के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके निकलती हूँ, उनका आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद। ये सब 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होगी करारी हार। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मच गई है फूट। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने मोदी की एंट्री पर लगाई बैन। मोदी के खिलाफ राजस्थान में वसुंधरा राजे ने ही खोल दिया है मोर्चा। वसुंधरा राजे ने कहा हम करने जा रहे हैं कुछ बड़ा, मंदिर में की पूजा। कहा पूजा करने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले करते हैं पूजा। इशारों में वसुंधरा राजे ने दे दिए हैं बड़े संकेत। दरअसल राजस्थान में इन दिनों लगातार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जब से 10 तारीख को पहली सूची राजस्थान में जारी की है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, उसके बाद से सिरपटोल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट ना देने के बाद से वसुंधरा राजे भी नाराज चल रही हैं। वसुंधरा राजे ने पहले 1-2 रैलियों को मिस किया जो कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के रैलियाँ थी। उन्होंने वसुंधरा राजे ने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया, तो अब लगातार वो मीटिंग पे मीटिंग कर रही हैं। अपने तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर विधायकों तक वो मीटिंग कर रही हैं। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष से भी गुपचुप मुलाकात हुई थी, लेकिन इन सब मीटिंग के बीच वसुंधरा राजे ने वैसा कुछ ऐलान कर दिया है जिसके बाद से बीजेपी की सांसें थम गई हैं। खबर निकल के आई है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़ा और जल्दी ऐलान कर सकती हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में, आपको बता दें चुनाव है, राजस्थान में लगभग 24 नवंबर को चुनाव है। 24 नवंबर के चुनाव के मद्देनज़र राजस्थान में जो है वो एक ही चरण में चुनाव करा लिया जाएगा। इस बीच वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट न मिलने से लगातार नाराजगी जाहिर है। मोदी वसुंधरा को इस बार जो है वो पीएम फेस नहीं बना रहे हैं और बीजेपी बिना पीएम फेस के इस बार मैदान में उतरी हुई है, जिस वजह से अभी से ही वसुंधरा समर्थक पहले वसुंधरा राजे को जो है वो पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी ना होने पर लगातार आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। अगर देखा जाए तो लगातार सिचुएशन ख़राब हो रही है और इस वजह से अब वसुंधरा राजे समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिनमें से 400 के करीब कार्यकर्ताओं और समर्थकों संग बीजेपी को छोड़ दिया है। खबर अब ये भी निकल के आई है कि वसुंधरा राजे स्वयं एक नई पार्टी बना सकती हैं। वसुंधरा राजे कोई नई पार्टी बना सकती हैं, इस वजह से जो है वो नई पार्टी की वजह से सिचुएशन जो है वसुंधरा राजे बीजेपी के सामने मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो नया, खास करके बीजेपी वसुंधरा राजे अगर कोई नया पार्टी बनाती हैं तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। दरअसल वसुंधरा राजे ने कहा क्या है वो समझिए। दरअसल वसुंधरा राजे 2 दिन पहले लगातार, पिछले 10 दिनों से उनका रुख ठीक नहीं है। अब वसुंधरा राजे से जब बीजेपी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, जब कुछ हम बड़ा काम करते हैं तो फिर हम चार भुजा नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। ये वसुंधरा राजे ने जो है वो ये बातें कही और वसुंधरा राजे की ये बातें जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर मजे ले लिए हैं। उनका कहना है कि मोदी वसुंधरा राजे से जलते हैं, कांग्रेस अलग मजे ले रही है, वसुंधरा राजे एक्टिव मोड में हैं। समर्थकों के टिकट कटने के बाद से वसुंधरा राजे जो है वो मानिए एकांतवास में चली गई और लगातार वो तमाम इस भरी चुनावी सीजन में जो है वो ज़्यादा रैलियाँ नहीं कर रही हैं, छोटी छोटी रैलियाँ वो भी अपने जिन समर्थकों को टिकट मिला है उनके समर्थन में ये कर रही हैं। अब आपको बता दें खबर ये निकल के आ रही है कि वसुंधरा राजे संभवतः जो है वो आने वाले समय में चुनाव जो है वो दूसरी पार्टी बना सकती हैं, ये भी खबर निकल के आई है। हालांकि आपको बता दें मनाने की पूरी कोशिश जो है वो भीतर खाने वसुंधरा राजे को की जा रही है, लेकिन लगातार समर्थकों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और वसुंधरा राजे ने अब कुछ बड़ा करने के संकेत दे दिए हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहना है वसुंधरा राजे का।